जिला कांगड़ा की विधानसभा फतेहपुर के कस्बा रहन के एक निजी पैलेस में भाजपा की बैठक का आयोजन हुआ, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। नागरिक संशोधन अध्यादेश के ऊपर रखी बैठक में जहां पूर्व बीस प्रत्याशी फतेहपुर भाजपा कृपाल परमार ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू के कसीदे पढ़ते बताया कि महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि बाहर से प्रताड़ित होकर आए लोगों को भारत में सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वहीं जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि इन प्रताड़ित लोगों के लिए हमें अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए, तो वहीं मौलाना आजाद भी यही कहते थे कि बाहर से आए शिक्षित लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देनी चाहिए। जो बवाल करने वाले लोगों को उनकी नजर बंद कर दिया और कांग्रेस के लोगों को कोई देश भर में बवाल खड़ा नहीं कर पाए, कश्मीर का मामला सॉल्व हो गया। ये जो कानून है इसके बारे में सबसे पहले आदरणीय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो वहां से विस्थापित होकर प्रताड़ित होकर लोग आ रहे हैं उनकी संभाल करना हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेवारी है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमको इन लोगों के पुनर्वास करने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए जो वहां से प्रताड़ित होकर आ रहे हैं। मौलाना आजाद ने कहा था कि जो शिक्षक वहां से प्रताड़ित होकर आ रहे हैं उन, क्योंकि उनके पास एचआईडी विभाग था, उन शिक्षकों को यहां पर सरकारी नौकरियों में खपाने का प्रयास सरकार कर रही है। इसके साथ ही मुख्य अतिथि ने नागरिक संशोधन बिल से सबको अवगत करवाया, कहा कांग्रेस व विपक्षी दल इस पर बिना वजह हो हल्ला कर रहे हैं। वहीं राजीव भारद्वाज ने कहा कांग्रेस व विपक्षी दलों को नागरिक संशोधन बिल से कोई परेशानी नहीं है, उन्हें तो परेशानी मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी बार सत्तासीन होने से है। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संदर्भ में कांग्रेस और विपक्षी दल लास्ट एक महीने से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ धार्मिक लघुमति को प्रताड़ित स्थिति में उसको हिंदुस्तान में शरण देने की बात है। उसमें कहा भी देश के नागरिकों को अनजस्टिस हो ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल भारत के लघुमति मतलब मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अनुसंधान देश के मुस्लिमों को अनजस्टिस होगा ऐसे ह्यूमर फैला के देश में सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सारे राष्ट्र में जन जागृति कार्यक्रम करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है उसके संदर्भ में जनता को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके पत्रिका बांट के संवाद करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आज हिमाचल आया हूँ और यहाँ पर कई लोगों से मेरा संवाद हुआ व्यक्तिगत तौर पर, और सामूहिक तौर पर भी लोगों के साथ बातचीत हुई, और कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा चलाई जा रही ह्यूमर को हमने निरस्त किया।